Hey guys, what's going on? I hope all is well. Welcome to back my channel रोजी क्रिएटिविटी. आज हम बनाने वाले हैं ब्यूटीफुल डिज़ाइनर नेक विद कॉलर. तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिए बिकॉज हमने बहुत इजी तरीके इसकी लाइनिंग कटिंग एंड स्टिचिंग बताया है. तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए. चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ये हमारा कुर्ती का कपड़ा है. इसको हमने नॉर्मल कुर्ती जितना ही कट किया है, बस शोल्डर हमने 2 इंच ज़्यादा रखना है. तो चलिए हम नेक की कटिंग करते हैं. तो हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और इसकी गहराई भी हम 2.5 इंच ही रखेंगे. उसके बाद हम सीधा एक बॉक्स बना लेंगे. उसके बाद फ्रेंड हम यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से. अब हमें इसकी कटिंग करना है. तो हमने कटिंग कर लिया है. ये हमारा फ्रंट पार्ट है. उसके बाद हमने एक यहाँ पर कार्ड लिया है. अब हम इसको इस तरह से राउंड में कट करेंगे. आप देख सकते हैं इस तरह से हम. उसके बाद फ्रेंड हम यहाँ पर एक कपड़ा लेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करके हमें इसे रख के इस तरह से कटिंग करना है. ये डिज़ाइन बनने के बाद बहुत ही प्यारा लुक आएगा फ्रेंड. देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है. अब जो हमारा नेक है उसे हम सेंटर में इसे रख के इस तरह से सिलाई लगाएंगे. इस तरह हमने किनारे सिलाई लगाना है. तो आप देख सकते हैं हमने सिलाई लगा दिया है. अब बीच का कपड़ा है उसे हम कट करेंगे. अच्छे से सिलाई को बचाते हुए कट करना है. उसके बाद हमें इसे पलट देंगे. इस तरह से हम अंदर पलट दिए हैं. अब हम किनारे में एक सिलाई लगाएंगे. इससे हमारा जो डिज़ाइन है वो फिनिश बनेगा. तो ये देखिए हमारा एक डिज़ाइन बन गया है. सेम स्टेप को फॉलो करते हुए हमने पूरे नेक में ये डिज़ाइन बनाना है. तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारा डिज़ाइन पूरा बन के रेडी है. अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे. बैक में हम जीप लगाएंगे. तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे कटिंग किए हैं. तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमने यहाँ पर 2.5 इंच विड्थ वाइज लगाया है और इसकी डीप हमने 2 इंच से भी कम रखा है. अब इसे हम राउंड करके कटिंग कर देंगे. देखिए हमने कटिंग कर लिया है. तो फ्रेंड्स एक हमें कपड़ा का पट्टी लेना है. उसे हम सेंटर में रखेंगे जहाँ पर कट का निशान लगाए थे. उसमें हम सीधा रखेंगे और सिलाई लगाएंगे सेंटर में. इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है. अब कोनी को हम वहाँ पर अच्छे से घुमाएंगे और एक पैर की सिलाई लगाएंगे. तो ये देखिए हमने सिलाई लगा लिया है. अब हम सिलाई को बचाते हुए बीच में जो हमारा गैप है उसमें कटिंग करेंगे. सिलाई को अच्छे से ध्यान में रखना है और कटिंग करना है. ये देखिए हमने कटिंग कर लिया है. ये हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसे हम कट कर लेंगे. उसके बाद फ्रेंड हम कपड़े को अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और ऊपर में एक फिनिशिंग सिलाई लगाएंगे. एक ही बार में ये हमारा जीप बहुत ही फिनिश लगेगा. ये देखिए हमने सिलाई लगा लिया है. अब हम जीप को इस तरह से सीधा कर लेंगे और अंदर की ओर रखेंगे. अब हम इसमें किनारे सिलाई लगाएंगे.
हमें अच्छे से सीधी सिलाई लगाना है और यहाँ पर कोनी में हम अच्छे से गुलाई घुमाएंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना जल्दी हमारा ये फिनिशिंग जीप बन के रेडी है, ये आप देख सकते हैं। अब हम बैक और फ्रंट को एक साथ रख के शोल्डर में सिलाई लगाएंगे। तो हमने इस तरह से सिलाई लगा लिया है। अब हम इसकी माप लेंगे जो कॉलर बनाना है। तो इस तरह से हम गोलाई में मापेंगे। ये देखिए हमारा 15 इंच आ रहा है, तो हम 15 इंच का कॉलर तैयार करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड आपको ये बुकरम लेना है, तो हम 15 का हाफ करेंगे तो 7.5 इंच आता है, तो 7.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। और हमें चौड़ाई ज़्यादा नहीं रखना है, चौड़ाई लगभग हमारा 1.5 रहेगा। उसके बाद हम इस तरह से 1-1 इंच पे मार्क कर लेंगे और इस सीधा लाइन ड्रॉ करके हमें कॉलर का शेप दे देना है। अब हम इस बुकरम को कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने ये कॉलर कट कर लिया है। अब हम एक फोल्डेड कपड़ा लेंगे। उसके बाद फ्रेंड हम यहाँ पर लेस अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम ये कपड़े में लेस को रख रहे हैं और हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो हमने फाइनली सिलाई लगा लिया है। अब हम सिलाई जो लेस है उसे हम अंदर कर देंगे। अंदर करके ऊपर वाले कपड़े को हम फिर एक बार फोल्ड करेंगे। ये हमारा लेस है जो ऊपर आ चुका है। अब हम इसे पलट देंगे और किनारे में सिलाई लगाएंगे। इस तरह से देखिए हमारा कॉलर बन गया है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। अब एक सिलाई हम नीचे की लेस में लगाएंगे। तो फ्रेंड हम जीप के जो हमारा सेंटर है वहाँ से हम ये कॉलर को अटैच करेंगे। हमें अच्छे से गोलाई देते हुए ये कॉलर को लगाना है। तो फाइनली हमने ये कॉलर लगा लिया है। अब हम इसे अच्छे से फोल्ड करेंगे और एक सिलाई ऊपर की ओर लगाएंगे। फाइनली हमने फिनिशिंग सिलाई भी लगा लिया है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब यहाँ हम मिरर लिए हैं और इस तरह से हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।